कांग्रेस ने खास रणनीति बनाई है भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी और सीटों के नजरिए से भी। आपको याद होगा प्रशांत किशोर ने सबसे पहले कांग्रेस के सामने अपना जो प्रेजेंटेशन रखा था एक ऐसे समय पर जब उनकी कांग्रेस से नजदीकियां कांग्रेस के साथ में जाने की चर्चाएं तेज थी, उस वक्त भी उन्होंने सीटों के समीकरण बताए थे। इस रिपोर्ट में जानिए उस सीटों का समीकरण क्या है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में बहुत कम समय बाकी है और ऐसे में अब कांग्रेस की नजरें आधी लोकसभा सीटों पर। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारियों में किस तरह से जुटकर इस पर लगी हुई है नजर, वो हम आपको बताएंगे। और पूर्वोत्तर की भी बारी है। पूर्वोत्तर में आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की रैली, या किस तरह से चुनावी आगाज हो चुका है, पूर्वोत्तर में चुनाव भी होने। ये पूर्वोत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। एक समय पर कांग्रेस की अच्छी पकड़ थी, लेकिन बीजेपी ने अपनी जड़ों को यहाँ पर मजबूत किया, स्थानीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया, बड़े नेताओं को अपने साथ में जोड़ा और उसके बाद में देखते ही देखते बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में अच्छी खासी मजबूतियाँ पकड़ मिल गई। लेकिन अब कांग्रेस अपने आप को यहाँ भी मजबूत करना चाहती है। इसको लेकर क्या प्लान बनाया जा रहा है वो आपको बताते हैं। किस तरह से जो भारत जोड़ो यात्रा 2.0 है उसकी नज़र, आप बेशक भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहा गया कि वो राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जो निकलेगी यानी इसका जो दूसरा फेज है वो पूरी तरह से विधानसभा चुनाव को फोकस करते हुए निकाला जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद अब कांग्रेस पश्चिम से यात्रा का खाका तैयार करने में जुट गई है। कांग्रेस ने यात्रा के पहले चरण की सफलता के बाद दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी है। ये यात्रा पहले चरण के मुकाबले ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगी, इसीलिए यात्रा शुरू करने से पहले पार्टी समर्थन को वोट में बदलने की रूपरेखा तैयार करेगी ताकि लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिल सके। आपको ये भी बता दें कि 30 जनवरी को ही राहुल गांधी की अगुवाई में हुई भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण का समापन हुआ है और इसके बाद में एक ब्रेक चल रहा है, लेकिन ये भी हम कई रिपोर्ट में आपके सामने रख चुके हैं इस बात को कि ये ब्रेक बहुत लंबा नहीं रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कार्यकर्ता जिस तरह से उत्साहित हुए, सोशल मीडिया पर जो रिस्पांस मिला, राहुल गांधी और कांग्रेस उसको खोना नहीं चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा का एक दूसरा चरण बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा। लेकिन इसकी रूपरेखा और इसका खाका पहले से तैयार किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से ज़्यादा बड़ा इसको दिखाया जाए, उसका अनुभव भी साथ में। लेकिन ये भी देखना होगा कि अब भारत जोड़ो यात्रा जैसा प्रयास करने के लिए काफ़ी मेहनत, काफ़ी पैसा, काफ़ी समय और काफ़ी लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो कांग्रेस इसके लिए कितनी तैयार है वो भी अब बात होगी कि किस तरीके से गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक इस यात्रा को निकाला जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 2 अक्टूबर से पोरबंदर या साबरमती आश्रम से शुरू हो सकता है। ये यात्रा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर के राज्यों से गुजरेगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जहां पर चुनाव होने, पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने, राजस्थान में अच्छा खासा समय दिया है राहुल गांधी ने। अब देखना होगा कि आगामी चुनाव से पहले उनका कोई और कार्यक्रम, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ कार्यक्रम बनेगा, लेकिन एक ज़बरदस्त खटपट देखने को मिल रही है। और राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने काफ़ी समय भी दिया है, तो बहुत मुमकिन है कि भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे फेज़ में शायद राजस्थान पर उतना ध्यान ना हो। हालांकि चुनाव वहां पर भी हैं, लेकिन हो सकता है चुनावी रैलियों और दूसरी यात्राओं के माध्यम से राहुल गांधी यहां पर भी वोटर्स को साधने की कोशिश करें। दूसरा चरण लोकसभा चुनाव से पहले खत्म होगा, यानी कि विधानसभा चुनाव ही नहीं, अगले लोकसभा चुनाव पर भी नज़र रहेगी। यात्रा जिन प्रदेशों से गुजरेगी उनमें लोकसभा की आधी सीटें आती हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 272 सीटों में से 10 सीटें मिली थी, ये ध्यान रखिए कि मतलब कितनी कमज़ोर रही थी ये सीटें। और यही वजह है कि इन पर बाद में फोकस किया जा रहा है। इनमें से यूपी में एक, मध्य प्रदेश में एक, आप सोचिए क्या हालत हो गई थी, उत्तर प्रदेश में एक सीट, मध्य प्रदेश में एक सीट, बिहार में एक सीट, बंगाल से 2 सीटें, ये हालत हो गई थी। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पार्टी की स्थिति बहुत कमज़ोर है, तो कांग्रेस को इस क्षेत्र में मजबूत करने के प्रयास में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नए आलाकमान मल्लिकार्जुन खड़गे जुटे हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नया कॉन्फिडेंस कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो पार्टी को इन क्षेत्रों में भी मजबूत कर पाएंगे और पहले के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करेंगे। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में हारे 121 में से 56 आरक्षित संसदीय क्षेत्रों को अगले आम चुनाव में केंद्रित, उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। अपने नेतृत्व विकास मिशन के तहत कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटों पर ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना चाहती है जिनके पास पार्टी की मदद करने के लिए उचित कौशल और जनाधार हो। लोकसभा चुनाव 2024 में अब बहुत कम समय बाकी है। कांग्रेस पार्टी ने समन्वयकों के लिए नेतृत्व विकास मिशन प्रशिक्षण शुरू कर दिया है और इसे जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। कांग्रेस द्वारा चिन्हित 28 एससी सीटें
12 राज्यों में फैली हुई हैं, जबकि 28 एसटी सीटें भी 12 राज्यों में फैली हुई हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां 2009 के चुनाव में कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी और पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि ये क्षेत्र कांग्रेस के लिए सबसे अच्छे अवसरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें पार्टी को मजबूत करना है तो इन सीटों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अब किन किन राज्यों पर कांग्रेस की नज़र है वो भी जानिए। कांग्रेस के फोकस वाली सीटें अनुसूचित जाति की सीटों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 4-4 निर्वाचन क्षेत्र हैं, जबकि तेलंगाना में 3-3 और बिहार, गुजरात और हरियाणा में 2-2 निर्वाचन क्षेत्र हैं। एसटी आरक्षित सीटों में मध्य प्रदेश में 6, गुजरात में 4, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 3-3, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में 2-2 सीटें हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने 5 राज्यों त्रिपुरा, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में 243 एससी और एसटी सीटों की भी पहचान की है, जहाँ 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हिस्सेदारी तेजी से गिरने के साथ पार्टी प्रबंधकों ने निष्कर्ष निकाला कि निराशाजनक प्रदर्शन सीधे आरक्षित सीटों में पार्टी के पतन से जुड़ा हुआ है, जो एक वक्त में इसका गढ़ हुआ करता था। तो इन आरक्षित सीटों पर अब फोकस किया जा रहा है और इसके लिए बड़ा मौका मिल रहा है भारत जोड़ो यात्रा 2.0 के जरिए, यानी कि जो दूसरा चरण है यात्रा का, उसमें इन सीटों पर फोकस किया जाएगा। केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि कांग्रेस का अधिवेशन महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो इस अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, इसमें कुछ खाका तैयार किया जाएगा, रणनीतियों पर विचार किया जाएगा। 24 से 26 फरवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है। इसमें 2022 में हुए चिंतन शिविर के संकल्प समेत संगठनात्मक और वैचारिक मसलों पर चर्चा होगी। ये वो मौका होगा जब तमाम कांग्रेसी एक साथ होकर जुटेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार भी है और विधानसभा चुनाव भी इसी साल के अंत में होने हैं मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ में, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन छत्तीसगढ़ के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कांग्रेस करेगी और अपनी यात्रा के अगले पड़ावों या जिन सीटों पर फोकस करना है उनके बारे में विशेष रणनीति पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि रायपुर में होने वाला पार्टी का 3 दिवसीय 85वां पूर्ण अधिवेशन भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। वो रविवार को अधिवेशन की तैयारियों का जायजा लेने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे। अधिवेशन नवा रायपुर में राज्योत्सव स्थल पर आयोजित होगा। वेणुगोपाल ने कहा कि ये अधिवेशन भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। उन्होंने केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भाजपा देश में झूठ फैला रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जहां जहां से भी गुजरे वहां इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। राहुल का अंदाज क्या होगा, राहुल की टी शर्ट की कितनी चर्चा होगी, दाढ़ी की कितनी चर्चा होगी, राहुल के लुक का क्या होगा, राहुल गांधी का तेज तेवर जो है वो कितना बरकरार रहेगा, राहुल गांधी किस तरीके से अपनी इमेज को और मजबूत करेंगे, जैसे बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में हैं, और क्या वो आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव तक अपनी इस इमेज को बरकरार रख पाएंगे या और मजबूत कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर रखें। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के बाद में कितना फ़ायदा मिला है, उनकी इमेज जनता के बीच में कितनी मजबूत हुई है, और क्या भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जैसा प्रयास कांग्रेस को करना चाहिए जिससे कि वो उन राज्यों में भी मजबूत हो पाए जहाँ पर फिलहाल उनकी स्थिति काफ़ी कमजोर हुई है। अपनी राय जरूर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।